सर ये हमारे बाड़मेर का नाम कर रही है। आज आप देख रहे हैं इतनी छोटी सी बच्ची ने जो 12वीं में राजस्थान में फर्स्ट आके हम सबको गौरवित करवा दिया है। बेटे कम नहीं है तो बेटों से बिल्कुल नहीं है, जो सोचते हैं कि हमारे बेटा होना चाहिए बेटी नहीं। लेकिन मैं उनको सबको संदेश देना चाहती हूँ कि आप बेटियों को मौका देके तो देखिए, फिर बेटियां क्या करके दिखाती है आपको वो आप देखना। आपने जो दर्द देखा है जो शुरुआती दिनों में, अब क्या कहना चाहिए, कितना बड़ा बदलाव आ गया शिक्षा को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर? बिल्कुल, पहले बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाया करता था, लेकिन आज सब बेटियों को मौका मिल रहा है तो वो बेटों से आगे आके दिखा रही है। थैंक यू। हेलो, धन्यवाद सर। ये पहला कदम है तेरे जीवन में सफलता का। थैंक यू। और तेरे तो बहुत सौभाग्यशाली है, तेरे परिवार में तेरी मदर ने फादर ने तेरे को इस तरह के करने के लिए अवसर दिया, तो उनको भी बधाई, तेरे को भी बधाई। इसी तरह से तो आगे बढ़, जिससे हमारे परिवार, जिले का, देश का नाम रोशन कर सके जीवन में। और एक जरूर से जो तेरे अच्छा लगे ना, पैसे नहीं उससे तो जीवन के अंदर करना। क्या बनना चाहती बेटा तू? मुझे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है। सिविल सर्विसेज, और तेरा शौक क्या है? मेरा शौक, मैं ज्यादा तो पढ़ाई करती थी ऐसा, मतलब गेम्स वगैरह में तो नहीं है, पर कभी कभार ड्राइंग वगैरह ऐसा। ठीक बेटा, तो ड्राइंग भी कर और पढ़ने में अच्छी किताबें पढ़ना। ठीक है, मैं तेरे को अच्छी सी किताब एक गिफ्ट करूँगा। धन्यवाद। ठीक है ना, अल्केमिस्ट करूँगा, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो किताब, वो तेरे को गिफ्ट करूँगा। अभी भी तसल्ली से उसको पढ़ना, बहुत हल्की फुल्की किताब है, गडरिया की किताब है, ब्राजीलियन लेखक की है। ठीक बेटा, ठीक है बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वकील साहब को, तेरी मदर को, तेरे को। थैंक यू। ओके।